जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खाटू श्याम मंदिर प्लान को लेकर मीटिंग ली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव पर्यटन गायत्री राठौर मौजूद रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं जयपुर से। खाटू श्याम मंदिर प्लान को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीटिंग ली है। कई अधिकारीगण मौजूद रहे और पूरा प्लान तैयार किया गया। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, खाटू श्याम मंदिर प्लान को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीटिंग ली है। चलिए, संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम। तो फिलहाल की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीटिंग ली है और ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और इस मीटिंग में कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे। खाटू श्याम मंदिर प्लान को लेकर ही मीटिंग की गई। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मीटिंग ली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पर्यटन, विशेषकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो भजनलाल सरकार का एक विजन है, उस कड़ी में खाटू श्याम मंदिर को विकसित करने का एक प्लान तैयार किया गया है, जिसकी घोषणा विधानसभा में की थी। इसको लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। दूसरी अहम मीटिंग है जिसमें एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, किस तरह आगे खाटू श्याम जी जो धार्मिक स्थल है, देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है, उसको विश्व स्तरीय पहचान कैसे दिलाई जाए। वहाँ जो कॉरिडोर बनाना है, आसपास विकास करना है, वो तमाम जो नियम तय किए गए हैं, जो निर्धारण किया गया है कि किन निर्माण कार्यों के जरिए और किस स्वरूप के जरिए इस मंदिर को एक विशेष जीर्णोद्धार का काम करना है, तो उसको लेकर ये मीटिंग हुई है। और कृष्णा सर्किट जो खाटू श्याम कॉरिडोर के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति, जैसा मैंने बताया था, विधानसभा में पारित हो चुकी है और इसको लेकर ये अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग में प्रमुख सचिव विभाग गायत्री राठौड़ मौजूद रही हैं, पर्यटन, इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। और मकसद यही है कि कैसे इस विश्व स्तरीय जो पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल हमारा, आपने देखा वो खाटू श्याम जी राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर में इसका खास महत्व है। और एक मान्यता ये भी है, चूंकि ऐसा कहा जाता है, इसको लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे खाटू श्याम जी की मान्यता बढ़ेगी। और ये हम देखते भी हैं लगातार, जिस तरह श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ता है खाटू श्याम जी मंदिर में, तो हर साल आपको देखेंगे कि साल दर साल भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वहाँ विकास होना, एक उसका किस तरह रोडमैप तैयार किया जाए, क्या क्या वहाँ सुविधा विकसित की जाए, इसको लेकर यह मीटिंग हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, अधिक जानकारी देने के लिए।